आज हम आपको दिखाते हैं द्वारका सेक्टर 3 के फेज 2 वर्धमान प्लाजा मेन रोड पार्क में किस तरह कूड़े के ढेर लगे हुए। इसको देखते हुए कांग्रेस के पूर्व निगम प्रत्याशी मनोज गुप्ता ने पहले पार्क की साफ सफाई करवाई, उसके बाद आज पार्क में कोविड-19 में जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके नाम से पार्क में वृक्षारोपण किए और कहा कि ये हमारी तरफ से उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौके पर मीडिया ने मनोज गुप्ता व अन्य लोगों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, द्वारका सेक्टर 3 फेज 2। मनोज गुप्ता जी, जैसे आज हम एक पार्क में खड़े हुए, सबसे पहले मैं पार्क पूछना चाहूँगा कौन सा पार्क है और यहाँ पे जो आज वृक्षारोपण किया, जैसे हम पहले भी पता चला कि जो ये पार्क है बड़ा गंदा था और इसकी साफ सफाई करवा के आपने बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल आजाद भाई, ठीक कह रहे हो आप। पिछले कई वर्षों से पार्क की बहुत ही स्थिति खराब थी, बहुत गंदगी थी यहाँ पर, जो कि कल मैंने और हमारी टीम ने सबने मिल के इसको पहले साफ़ कराया है। उसके बाद आज इसमें प्लांटेशन किया गया है हम सभी के द्वारा, और ये सेक्टर 3 फेज 2 है द्वारका का। और हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी पार्क है जहाँ पर गंदगी है उनको साफ कराएं और उसके बाद वहाँ पर वृक्षारोपण करें। और आज स्पेशली मैंने ये जो प्लांटेशन का प्रोग्राम यहाँ किया है उसमें जो कोविड-19 के समय में जो लोग हमारे साथी दिवंगत आत्मा जो स्वर्गवास हो गई हैं उनकी याद में उनको सच्ची श्रद्धांजलि को देते हुए आज हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और मैं समझता हूँ पेड़ लगाना सभी लोगों का एक कर्तव्य है, क्योंकि अभी आपने पहले बीच में कोविड टाइम में देखा हो ऑक्सीजन तो लोगों को नहीं मिल रही थी, इसीलिए सभी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि पेड़ लगाएंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन भी मिलेगी, फल भी मिलेगा और वातावरण भी जो दूषित है वो अच्छा होगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लांटेशन का कार्य किया। मनोज गुप्ता जी, आपने निगम पर चुनाव भी लड़ा, आप पूर्व प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से, युवा नेता भी है, और जिस तरह कल राहुल गांधी जी का जन्मदिन था उस पर पूरी दिल्ली में राशन वितरण भी किया गया और आज आपने एक और नई शुरुआत की वृक्षारोपण की। जी जी जी, बिल्कुल, कल राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, उसी के उपलक्ष्य में कल श्रमदान दिया हम सब लोगों ने, जिसके रूप में आप ये देख रहे हैं कि जो पार्क पहले बहुत ख़राब स्थिति में आज बहुत साफ है। ये हमारी सबकी लोगों की, हमारी जो टीम है उसकी मेहनत है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को अपना अपना कर्तव्य को निभाते हुए सभी जगह सफाई रखनी चाहिए। आज हमने साफ किया है, पेड़ लगाए। अच्छा मनोज गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहूँगा, पेड़ तो लगाते हैं सभी लोग लगाते हैं जी, मगर उनकी देख रेख नहीं होती बाद में। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है, इसकी देख रेख के लिए जितने भी साथी खड़े हैं ये सब यहीं रहते हैं, किसी घर ये है, किसी घर ये है, किसी घर ये है। हम लोगों ने जब ये पेड़ लगाया तो शर्त यही थी कि लगाएंगे, सफाई भी कराएंगे, लेकिन एक एक पेड़ को अडॉप्ट करेंगे आप एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे का आप पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार से उस पेड़ में आपने रोज पानी देना है, उसकी केयर करनी है। क्या ये चुनाव को लेकर तो नहीं है, जैसे निगम के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर? अगर प्लांटेशन और कभी ज़रूरत में कोई भी किसी के लिए मदद के लिए आगे आता है, या कोविड टाइम में आपने देखा हो हमने पूरे द्वारका में एक सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम हमने किया था, और कोविड पेशेंट होम फूड भी हमने लोगों को प्रोवाइड कराया था, मास्क भी वितरण किए थे। एक तरफ तो लोग कहा जाता है कि हर इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें राजनीति का कुछ भी नहीं है। और देखिए इसको आप जिस मर्जी ढंग से ले लीजिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज में हम लोगों को काम करना है, वो जो मैं कर रहा हूँ। क्या मौजूदा जो पार्षद है उसने कभी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया? सर इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं ये सब यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस पार्क की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, जबकि ये MCD की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मैंने अपना काम किया अपनी टीम के साथ और आगे भी मैं करता रहूँगा, बाकी आप स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या यहाँ पे जो मौजूदा निगम पार्षद है या विधायक कभी आया इस क्षेत्र में साफ सफाई के लिए? नहीं जी, कभी नहीं आया, नहीं आ रहा, कभी नहीं, नहीं आया, कभी भी, कभी नहीं आया। हमारे मनोज गुप्ता जी यहाँ से चुनाव भी पीछे लड़े थे और हमारे बीच में ही रहते हैं 24 घंटे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग पूरा इनके साथ हैं। जी जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
अच्छे से काम करते हैं। क्या आपने इस पार्क के लिए जो निगम पार्षद है उसको या विधायक को कभी कंप्लेंट डाली? डाली थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज प्रेस द बेल आइकन।